साथियों, हम देख रहे हैं कि मेडिकल टूरिज्म, आज भारत मेडिकल टूरिज्म के लिए दुनिया के कई देशों के लिए एक बहुत ही आकर्षक डेस्टिनेशन बना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टूरिज्म के इस सेक्टर में जहां इन्वेस्टमेंट की बहुत संभावना है, हमने देखा है कि किस तरह केरल के टूरिज्म को बढ़ाने में ट्रेडिशनल मेडिसिन ने मदद की। ये सामर्थ्य पूरे भारत में है, भारत के हर कोने में है। हील इन इंडिया इस दशक का बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा आदि विद्याओं पर आधारित वेलनेस सेंटर्स बहुत प्रचलित हो सकते हैं। देश में तेजी से विकसित हो रहा आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको और अधिक मदद करेगा। जो विदेशी नागरिक, जैसा मैंने कहा कि आज हेल्थ टूरिज्म के लिए भारत एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन रहा है, तो जो विदेशी नागरिक भारत में आकर आयुष चिकित्सा का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए सरकार एक और पहल कर रही है। शीघ्र ही भारत एक विशेष आयुष वीजा कैटेगरी शुरू करने जा रही है। इससे लोगों को आयुष चिकित्सा के लिए भारत आने जाने में सहूलियत होगी।